देश और प्रदेश के साथ नीमच जिले में भी गणेश उत्सव की धूम दिखाई दे रही है। गणेश उत्सव के चलते शहर में जहां एक ओर बड़े और भव्य पंडाल भक्तों द्वारा सजाए गए हैं, तो वहीं दूसरी ओर राजस्व कॉलोनी में निवास कर रहे नन्हे बच्चों ने भी अपनी ओर से एक पहल की है। इस दौरान सभी ने कॉलोनी में मौजूद मैदान में गणेश प्रतिमा की स्थापना की। बच्चों ने बताया कि उन्होंने पहले कॉलोनी के रहवासियों से चंदा इकट्ठा किया है, जिसके बाद मैदान में गणेश स्थापना की गई और भव्य पंडाल भी सजाया गया है। बच्चों द्वारा की गई इस पहल में अब कॉलोनी के रहवासी भी उनका साथ देने लगे हैं। बुधवार की शाम जहां एक ओर बच्चों ने गणेश जी को छप्पन भोग लगाए, तो वहीं दूसरी ओर कॉलोनी की महिलाएं पंडाल में भजन कीर्तन करती हुई नजर आई है। रहवासियों ने भी बच्चों के हौसले और उत्साह के लिए उनके साथ पंडाल में विराजित प्रतिमा का पूजन किया और आयोजन में उनका साथ दिया है। बच्चों के द्वारा स्थापित गणेश जी दर्शन के लिए शाम के समय रहवासियों की लंबी लंबी कतारें लग जाती है। आपको बता दें कि 10 दिन का यह पर्व पूरे जिले में बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है और आखिरी दिन हर्ष और उल्लास के साथ गणेश जी को विदाई दी जाती है। इस बार भी पूरे जिले में लगभग 350 से भी ज्यादा गणेश जी के पंडाल भक्तों द्वारा सजाए गए हैं।